राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों का एनकाउंटर किया। ये मुठभेड़ पुलवामा जिले के निहामा एरिया में चल रही थी। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर पहले फायरिंग की थी। इस एनकाउंटर में साल 2015 से घाटी में एक्टिव टॉप कमांडर रियाज अहमद डारा मारा गया। वो घाटी में हुए कई आतंकी हमलों में शामिल था। सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों के शव बरामद कर लिए हैं। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी के बिरधी ने बताया कि एक और आतंकी की पहचान की जा रही है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना की एक ज्वाइंट टीम ने निहामा में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान छिपे हुए आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया था। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। मुठभेड़ में मारे गए टॉप कमांडर रियाज डार के परिवार को मुठभेड़ स्थल पर लाया गया था ताकि उनके कहने पर वो सरेंडर कर दे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।